नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पे। दोस्तों, आपके अनुरोध पे आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में जो गमला होता है उसमें किस तरह से मिट्टी डालें। तो दोस्तों, हम लोग गमले में जो है मिट्टी डालना, ये भी एक ट्रिक है। आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। तो ये देखिए, ये खाली गमला लीजिए इस तरह से, और इसके बाद आप जो है, अगर आपके यहाँ दिवाली में अगर दिए हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ये खपरा है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टूटा हुआ मटका हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको जो है ठीक इसके बीचों बीच रखना है इस तरह से। इसके अलावा अब हमें इसमें मिट्टी डालना है। तो दोस्तों, इसमें मिट्टी जो है हमें करीब जो 70% मिट्टी डालनी है, और 30% जो है हमें खाद डालना है। तो ये देखिए हमारी मिट्टी, तो हम इसमें 70% जो है मिट्टी डालेंगे। तो पहले हम मिट्टी डाल देते हैं। तो अभी हम इसमें मिट्टी थोड़ी सी डालेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे चूना। जी हाँ, आपको बाज़ार में पान की दुकान में चूना मिल जाएगा इस तरह से। तो बिल्कुल थोड़ा सा चूना डालना है इस तरह से, इसे बस हो गया, एक चुटकी चूना डालना है। इसके बाद जो हमारे पास खाद है उसको डालना है, 30% डालना है, इस बात का ध्यान रखें आप। इस तरह से डालना है, तो ये देखिए इस तरह से इसको तोड़ के डालना है, देखिए इस तरह से। और अगर मिट्टी अगर काली हो तो आप इसमें जो है थोड़ा सा बालू डाल सकते हैं, जिसे हम रेती भी कहते हैं, कहीं कहीं बजरी भी कहते हैं। तो वो आप उसको जो है 1 से 2 मिट्टी डालिए, अगर इतना बड़ा गमला है तो आपका। तो मैंने अभी इसमें थोड़ा सा ये डाल दिया है, अब इसमें डालूंगा मैं मिट्टी। इस तरह से मैं मिट्टी डालूंगा इसमें। तो ये हमारी आधे करीब जो है मिट्टी हो चुकी है। मेन जो इसमें होता है मिट्टी होता है, और कंपोस्ट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, कंपोस्ट ना मिले तो गोबर की सड़ी हुई खाद वो होनी चाहिए। तो ये देखिए, और थोड़ा सा इसमें हमने चूना डाला है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप बिना इसे भी कर सकते। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये आपको मिल जाएगा किसी भी जगह में आप जाएंगे, जहाँ पे आपको छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, जहाँ बीज मिलता है, सब्जियों के बीज मिलते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो ये आपको ज़्यादा नहीं डालना है, 2-4 दाने डालने। देखिए मैं 2-4 दाने ही डाल रहा हूँ इसमें, और फिर इसमें हम थोड़ा सा खाद डालेंगे इस तरह से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है जब ये गमले की मिट्टी तैयार करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि 70% जो आपको मिट्टी लेनी है, और 30% करीब हमें गोबर की सड़ी हुई खाद मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप कंपोस्ट भी ले सकते हैं 30%। और अगर मिट्टी अगर आपकी काली है तो उसमें आप थोड़ा सा रेत डाल दीजिए, और थोड़ा सा नाइट्रोजन, फास्फोरस डालना है, पोटेशियम डालना है। ये हमारी मिट्टी हो गई है तैयार बिल्कुल। अब इसमें हमें कुछ नहीं डालना है, अब इसमें हमें पानी डालना है बस। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको रखना है, और इसको 1 दिन बाद जो है फिर इसको उलट पलट मिट्टी करना है, और इसके बाद आप इसको कभी पौधा लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आप जो है इसी तरह से अपने घर में जो भी पौधा लगाते हैं उसकी जो है गमला के लिए मिट्टी इसी तरह से तैयार करें। तो इसी के साथ मुझे आप इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।